हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो। अलील क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ए जीन, जो हाइट का जीन है, हाइट का जीन है प्लांट के अंदर, इसके लिए अलग अलग जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, लोकस के ऊपर, लोकस को पोजीशन, वहां पर जीन के अलग अलग वर्जन हैं, उनको हम अलील कह रहे हैं। इसको डोमिनेंट भी बोला जा सकता है और रिसेसिव, इस आधार पर कि वो जो अलील है वो अपना प्रभाव दूसरे की प्रेजेंस में दिखा पा रहा है या नहीं। यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखा रहा है स्मॉल टी की प्रेजेंस में तो डोमिनेंट ये रहेगा। हैड इट बीन द अदर वे राउंड, अगर दूसरी तरफ दूसरा अलील अपना प्रभाव दिखाता तो वो डोमिनेंट हो जाता है, यहां पर कौन होगा, टॉल, कैपिटल टी इज द डोमिनेंट अलील, टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, अगर ये यहां पर पोजीशन दिखाई गई है कि होमोलोगस, यहां पर जो हमने पर्पल फ्लावर अलील का और व्हाइट फ्लावर अलील के को कंसीडर किया है कि पर्पल फ्लावर है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए जो प्लांट के केस में अगर हाइड्रोजाइगस कंडीशन होगा तो उस केस में फ्लावर का कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। ठीक है, कैपिटल पी वुड बी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल पी। ठीक है, कैपिटल पी वुड बी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल पी। देखिए ये जो पार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन एट सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत सी बार आपके कंपटीशन एग्जाम्स में जब वो एनसीक्यू टाइप क्वेश्चन देता है तो यहां पर वो लिख तो देता है डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन एट सेम लोकेशन ऑन हेटरोलोगस क्रोमोसोम कर देता है, या तो या डिफरेंट लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखिए डिफरेंट अलील्स के केस में ठीक है, डिफरेंट वर्जन हैं जीन के, लेकिन जो लोकेशन है वो सेम है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के केस में। ठीक है, अब यहां पर हम आगे देखते हैं, अब तक जो हमने कुछ डेफिनेशंस किया है उनसे रिलेटेड एक आपके लिए एक्सरसाइज है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर पॉज करके और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड देन डू मैच कि आप कितने इनमें से करेक्ट कर पाते हैं एंड देन लर्न लिसन दिस एक्सप्लेनेशन। सो साइंस ऑफ द हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, जो आनुवंशिकता की पढ़ने की जो साइंस है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। इट विल कम बी लाइक दिस, सॉरी नॉट जीनोटाइप्स, इट विल बी जेनेटिक्स। ठीक है, वेट, यस, सो इट विल बी द जेनेटिक्स पार्ट। ऑर्गेनिज्म विद टू अलील्स ऑफ द सेम टाइप, एक ही टाइप के दो अलील्स, जब इस तरीके का कंडीशन होता है मींस या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो इस टाइप का जो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगोट। ये वाला पार्ट किसमें चला जाएगा, होमोजाइगोट। एंड ऑर्गेनिज्म विद टू डिफरेंट अलील्स, दो डिफरेंट अलील्स हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसके लिए हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, दिस वन, हेट्रोजाइगोट। डिफरेंट वर्जन ऑफ ए अलील, अभी अभी हमने परिभाषित किया डिफरेंट वर्जन ऑफ ए जीन, दैट विल बी कॉल्ड एज अलील। नेक्स्ट, मेंडल के लॉ के बारे में बात कर रहा है कि ये कहता है कि देर आर टू फैक्टर्स कंट्रोलिंग ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ दिस डोमिनेट्स द अदर एंड दीज फैक्टर्स सेपरेट एंड गो टू डिफरेंट गैमेट्स। यहां पर यह बोला गया है कि
दो फैक्टर्स हैं किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने वाले, उनमें से एक डोमिनेट करता है दूसरे फैक्टर के ऊपर और दोनों फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं और वो अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट हो जाता है जो एक कैरेक्टर का दो अलील्स है या एक जो दो फैक्टर्स हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, फैक्टर्स और अलील द सेम थिंग, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर नेक्स्ट लॉ में कह रहा है स्टेट्स दैट फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहां पर डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर अगली जनरेशन के अंदर चले जाते हैं, उनके जो फैक्टर्स होते हैं, तो इसके लिए आ जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्सप्रेस्ड अलील इन ए हेटरोजाइगोट, हेटरोजाइगस कंडीशन में कौन सा अलील एक्सप्रेशन देगा, कौन सा देगा, डोमिनेंट अलील देगा, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हेटरोजाइगस में डोमिनेंट अलील। अलील दैट इज नॉट एक्सप्रेस इन हेटरोजाइगोट, हेटरोजाइगोट कंडीशन के अंदर जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव अलील। ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके लिए टर्म क्या रहेगी इन द गिवन दिस टेबल, हाइब्रिड। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, कौन जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो किसके परिणाम स्वरूप हो पाता है, पोलिनेशन। ओके, द अलील्स एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स, जो अलील्स एक इंडिविजुअल इनहेरिट करता है, अलील्स एन इंडिविजुअल इनहेरिट, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको एक जो अलील्स उसके पास आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप्स, कि किस टाइप के अलील्स उसके पास आए हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोटाइप, एक ऑर्गेनिजम्स के जो जीनोटाइप्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीनोटाइप, ठीक है। होप ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है, आइए अब हम आगे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये आप कि कौन सा इनमें से हेटरोजाइगस है, कौन सा होमोजाइगस है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, कैपिटल ए क्या होमोजाइगस, डोमिनेंट डोमिनेंट, स्मॉल बी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेटरोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस, ऑब्वियसली होमोजाइगस, डोमिनेंट है या रिसेसिव, रिसेसिव वन, कैपिटल सी स्मॉल सी हेटरोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट या रिसेसिव, बोलिए डोमिनेंट, कैपिटल डी हेटरोजाइगस या होमोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट या रिसेसिव, डोमिनेंट, कैपिटल ई स्मॉल पी स्मॉल ई हेटरोजाइगस और होमोजाइगस, क्या होगा, ऑब्वियसली हेटरोजाइगस, स्मॉल एफ हेटरोजाइगस या होमोजाइगस, ये होगा होमोजाइगस, डोमिनेंट या रिसेसिव, रिसेसिव, और इसके अंदर फिफ्थ में डोमिनेंट और रिसेसिव में डोमिनेंट, ठीक है। आइए थोड़ा सा आपका और प्रैक्टिस करवा देते हैं, इसमें बोल रहा है ब्राउन आईज आर डोमिनेंट ओवर द ब्लू आईज, जो ब्राउन आईज है वो डोमिनेंट है ब्लू आईज के ऊपर, ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है व्हाट वुड बी द पॉसिबल फिनोटाइप्स, क्या फिनोटाइप्स पॉसिबल होगा, कैपिटल बी में क्या होगा, ब्राउन, क्योंकि यहां पर बोला है ब्राउन आईज है वो क्या है, डोमिनेंट है, तो ब्राउन हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी में क्या होगा, ब्राउन, हेटरोजाइगस कंडीशंस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट अलील है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, स्मॉल बी में ब्लू, यहां पर राउंड सीड्स है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड सीड के ऊपर, तो बताइए इसमें कैपिटल आर में क्या होगा, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर में, अगर कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर तो एक्सप्रेशन किसका आएगा, डोमिनेंट अलील का, तो ये क्या चला जाएगा, राउंड, इसका फिनोटाइप कैसा हो जाएगा, राउंड, स्मॉल आर रिसेसिव अलील्स, रिसेसिव दोनों ही रिसेसिव अलील्स हैं तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, रिसेसिव कैरेक्टर वाला और वो क्या होगा, रिंकल्ड वन, ठीक है बच्चों। आइए अब हम आगे चलते हैं और मेंडल के लॉज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं, यहां पर कह रहा है
लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन ए क्रोस, एक क्रोस के अंदर जिसके अंदर पेरेंट्स है प्योर है। पेरेंट्स प्योर होने का मतलब हमने टेस्ट करके एक ऐसी लाइन डेवलप कर ली है जिसके अंदर दूसरा कैरेक्टर है ही नहीं। ओके, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि प्योर ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए और आप समझ पाएंगे प्योर ब्रीडिंग लाइन क्या होती है। जिसके अंदर एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर दोनों ही पेरेंट्स प्योर हैं डिफरेंट ट्रेड्स के लिए, ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेड विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। दोनों में से जो केवल और केवल जो एक ट्रेड है वो अगली जनरेशन के अंदर अपीयर होगा। मीन्स जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, अभी अभी हमने देखा जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसके अंदर जो एक ट्रेड है वो एग्जिबिट होगा। यहां पर मान लीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया था ब्राउन एंड ब्लू आइज कलर, उसके अंदर ब्राउन है वो डोमिनेंट है एंड जो स्मॉल बी है वो ब्लू रिसेसिव वन है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब हाइब्रिड जीनोटाइप होगा तो उनमें से जो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट जो ट्रेट है वो दिखाई देगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं उसका जो डोमिनेंट पार्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है। आपने देख लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ही कैपिटल टी स्मॉल टी के कंडीशन के अंदर जब ये दोनों अलील्स हैं तो डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, टॉलनेस, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ओके, इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनेंगे, एग बन रहा है या स्पर्म बन रहा है, ठीक है, जो दो अलील्स होते हैं, टू अलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट, जो एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके केस में जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उस टाइम पर जो अलील्स प्रेजेंट है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। ये कुछ ऐसे ही है, कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, ठीक है, ये गैमेट्स बना कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, F1 ये जो पेरेंट्स थे। अब नेक्स्ट जनरेशन जब बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरीके से ये क्रॉस होके कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गए, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स आ गए, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि इनमें से एक्सप्रेस कौन सा होगा, डोमिनेंट का जो ट्रेट है टॉलनेस, टॉलनेस दोनों टॉल होंगे। अब देखिए लॉ ऑफ, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बोल दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन F1 जनरेशन के प्लांट्स को अगर हम आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, जब इसके गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, मींस अगर हमने मान लिया कि ये मेल प्लांट है तो मेल के केस में गैमेट क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं तो यहां पर कैपिटल टी। ये जो दूसरा इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है दैट विल हैव स्मॉल टी। अब यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, जब पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही है तो किसी भी ट्रेट के लिए जो दो अलील रिस्पॉन्सिबल है, टू अलील्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट, दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यहां पर F1 जनरेशन के पेरेंट्स में जब हमने क्रॉस किया तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी कर पा रहे हैं कि दोनों अलील्स जो रिस्पॉन्सिबल थे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। दो द सेम हैपन्ड हेयर आल्सो, कि यहां पर भी दोनों अलील्स जो एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो सेपरेट आउट हो गए। ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है, बात आए समझ में। चलिए हम अब आगे चलते हैं और जो मेंडल का
नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये कह रहा है अलीज फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, जो डिफरेंट ट्रेड्स रहते हैं, मान लीजिए आप डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे। अब तक हमने क्या करते आ रहे थे, अब तक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताता है कि अगर आप दो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को प्रभावित नहीं करती है। ओके, एलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एग और स्पर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, मींस जब भी आप एक डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करेंगे तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने ली हैं स्टडी के लिए, उनके जो अलील्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर अगली जनरेशन के अंदर पास ऑन होंगे। आइए हम देखते हैं एक चार्ट की मदद से, एक डायग्राम की मदद से, एक क्रॉस की मदद से। यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं राउंड एंड येलो सीड प्लांट्स। यहां पर हम ले रहे हैं राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स को हमने लिया है। हमने एक ऐसा प्लांट लिया है जिसके जो सीड्स हैं वो राउंड बन रहे हैं और येलो है। तो अब राउंड और येलो की जो प्योर लाइन होगी वो बच्चों ये होगी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एंड इसका हमने क्रॉस करवाया रिंकल्ड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड ग्रीन के लिए क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर गैमेट बनाइए, इसके यहां पर इस पेरेंट से इसको हमने फीमेल माना या उसको मेल माना, कुछ भी दोनों को आप प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेट्स से हमने इसको मेल प्लांट माना और उसको हमने फीमेल प्लांट माना, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। अब जब फीमेल फ्लावर है उसके अंदर अगर हम एग की पॉसिबिलिटी देखें तो वो क्या होगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके अलावा कोई भी और एग बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है इस फीमेल फ्लावर के अंदर। यहां पर अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स के बनने की, जो उनका जो जीनोटाइप हो सकता है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स जीनोटाइप। नाउ अगर हम मान लीजिए कि ये कंसीडर करते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन फ्यूज हो रहा है इस एग के साथ, तो यहां पर जो जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एंड इन द सेकेंड केस अगर हम इनका माने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, प्लांट कैसे, ये जो प्लांट है जब डेवलप होगा तो इसके अंदर जो सीड्स है वो कैसे आएंगे, राउंड येलो, यहां पर राउंड येलो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं जो अलील्स हैं कैपिटल आर सेग्रीगेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर एक पोलन ग्रेन के अंदर ही चला जाए, दोनों अलील्स हैं वो सेपरेट आउट होंगे। ओके, एंड जब दोनों अगर कैरेक्टर्स को आप इंडिविजुअल तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये पोलन ग्रेन दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए या ये दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए एग के साथ, तो भी आपके पास जो पॉसिबिलिटी है एफ वन जनरेशन के अंदर वो सेम ही है। मींस आपके सामने जो जीनोटाइप्स आएंगे F1 जनरेशन के अंदर, उनका जो जीनोटाइप है F1 जनरेशन के अंदर वो कुछ ये होगा,
जितने भी पॉसिबिलिटी है उनके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एफ वन जनरेशन हमने देखा। अगर आप इससे आगे एफ वन जनरेशन से आगे आप जाएंगे और एफ टू जनरेशन बनाएंगे तो आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को अच्छे से परिभाषित कर पाएंगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, लेट मी क्लीन द स्क्रीन एंड लेट्स कंसीडर अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमने एक एफ वन का प्लांट ले लिया, कंसीडर इट टू बी द फीमेल वन, एंड नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमने एक मेल प्लांट मान लिया, मेल फ्लावर। ठीक है, उसके ऊपर मेल फ्लावर है, यहां पर फीमेल फ्लावर्स। अब देखिए ये जो राउंडनेस का कैरेक्टर है और येलोनेस का जो कैरेक्टर है सीड के अंदर, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के जो अलील प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को प्रभावित बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, ना तो कैपिटल आर कैपिटल वाई पर कोई प्रभाव डालना है ना ही स्मॉल वाई पर प्रभाव डालना है। ये एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर गैमेट्स बनाएंगे। मींस पॉसिबिलिटी ये है कि कैपिटल आर है इसके साथ अलील ये भी चला जाए कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ ये अलील भी आ सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है बच्चो, इसी तरीके से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई अलील आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई अलील आ सकता है स्मॉल वाई। ठीक है, सो यहां पर एग फॉर्मेशन के टाइम पर कोई भी अलील दूसरे अलील को प्रभावित नहीं कर रहा है, या मैं ये कहूं राउंडनेस कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक का जो अलील है वो येलोनेस को प्रभावित नहीं कर रहा है, येलोनेस के कोई भी अलील को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यही मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है। आइए आगे हम इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एफ टू जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स बनेगा उसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां तक का आप नोट डाउन कर लें, इसी तरीके से आप इधर भी पोलन ग्रेन्स का जो जीनोटाइप्स है वो आप स्वयं बना के देखें एक बार और इस वीडियो को पॉज करें, यहां तक इसका जो जीनोटाइप्स पोलन ग्रेन्स की पॉसिबिलिटी है वो नोट डाउन करें। ओके, वंस यू हैव मेड द गैमेट्स यू फाउंड कि इनका जो गैमेट्स है दोनों ही केस में सेम है, मींस पोलन ग्रेन्स कि जो पोलन ग्रेन्स है उनका जीनोटाइप और जो एग बनने की जो पॉसिबिलिटी है इस केस के अंदर वो सेम है। कैपिटल आर हमने एक तरफ लिख लिया पोलन ग्रेन्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, एक तरफ हमने जो पोलन ग्रेन्स है उनका पॉसिबल जीनोटाइप लिख लिया, दूसरी तरफ हमने जो एग है उनका पॉसिबल जीनोटाइप लिख लिया। ठीक है, हम ध्यान रहे अब हम डिस्कस कर रहे हैं एफ वन जनरेशन के जो गैमेट्स बन गए उसके बाद जब जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो एफ टू प्रोजेनी हमारे सामने आएगी और उस एफ टू प्रोजेनी के अंदर क्या कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट जनरेशन एफ टू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर ये जो गैमेट होगा जब इसके साथ फ्यूज करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई विल फ्यूज विद कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनोटाइपिक गैमेट, उस टाइम पर यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एफ टू जनरेशन का जीनोटाइप आएगा प्लांट का वो ये रहेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर दोनों ही डोमिनेंट अलील है राउंडनेस के लिए आर के लिए,
सेम इज फॉर द येलोनेस, तो प्लांट जो आएगा इस केस में वो कैसा होगा, उसका जो सीड्स है वो कैसा होगा, राउंड एंड येलो। यहां पर भी आप इस तरीके से सभी कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे, सभी कॉम्बिनेशन को आप मैच ऑन करेंगे, फ्यूज कराएंगे, और जो F2 के अंदर फिनोटाइप आएगा उसको नोट डाउन करेंगे। यू विल फाइंड इन द F2 के अंदर अगर आप राउंड येलो कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे कि कितने प्लांट्स के अंदर राउंड येलो आ रहा है, यू विल फाइंड देयर विल बी द 9 प्लांट्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These 9 plants will have the round yellow seed. Round जो yellow seed है, round yellow seed कितने के अंदर आएगा? It will come out in the 9 plants. Okay. अब ये देख रहे हैं आप capital R, small y, what will be the phenotype of this genotype? ये जो genotype है इसका phenotype क्या होगा? Round एंड ग्रीन। राउंड ग्रीन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि F2 जनरेशन के अंदर जो राउंड ग्रीन है वो कितने प्लांट आ रहे हैं, 1, 2 and 3, दे आर 3। नेक्स्ट रिंकल्ड येलो आप देखेंगे अगेन 1, 2, 3। रिंकल्ड येलो भी कितने आ रहे हैं, रिंकल्ड येलो इज ऑल्सो, उनका नंबर भी कितना है, उनका नंबर भी 3 है। एंड अगर हम बात करें रिंकल्ड ग्रीन की तो केवल और केवल आपके पास इस जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप है, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट विल बी What? Wrinkled green and only one plant. तो अगर F2 generation के अंदर हम phenotypic ratio देखें, phenotypic ratio देखें, तो वो क्या आया? 9:3:1. 9:3:1. और वो क्या है? Round yellow, round green, wrinkled yellow and what? Wrinkled green. ओके, सो ये मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस था। हमें अभी इसके अंदर ये और स्टडी करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस तरीके से कंट्रोल की जाती हैं। क्लास 10th में आपके सामने ये भी डिस्कस किया गया है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। देखिए अगर आप बात करें जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। अगर हम बात करें प्लांट की हाइट की, तो देखो बच्चों जो प्लांट की हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, हार्मोन्स के ऊपर कि उसके अंदर कितना प्लांट हार्मोन रिलीज हो रहा है। ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, हार्मोन के ऊपर, प्लांट हार्मोन के ऊपर डिपेंड करेगी ग्रोथ। अब प्लांट हार्मोन के ऊपर ग्रोथ डिपेंड कर रही है, ये हार्मोन है, ये जो हार्मोन है ये कैसे बनता है? ऑब्वियसली प्लांट के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहा है जिनके परिणाम स्वरूप एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व है और वो इस हार्मोन के प्रोसेस को कैरी आउट करवा रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये जो एंजाइम्स है ये कहां से आ रहा है, ये एंजाइम्स क्या है, दे मे बी ए प्रोटीन, वो एक प्रोटीन हो सकता है। अब बात करें कि ये जो प्रोटीन है ये कहां से आ रहा है, प्रोटीन कैसे आ रहा है, भी प्रोटीन उस प्लांट के अंदर, उस प्लांट की सेल्स के अंदर कुछ डीएनए कंटेंट होगा और वो डीएनए कंटेंट के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगी, मैसेंजर आरएनए बन रहा होगा और वो मैसेंजर आरएनए माइट भी कोड कर रहा है इस प्रोटीन को, ठीक है। और इस प्रोटीन से क्या, वो जो प्रोटीन है फोल्ड होके क्या बना रहा है,
कोई एंजाइम बना रहा है, वो एंजाइम फंक्शनल रूप से हार्मोन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, और फिर वो हार्मोन प्लांट की ग्रोथ करवा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम इस प्रोसेस को, एंटायर प्रोसेस को देख रहे हैं कि भाई प्लांट के अंदर सबसे पहले एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, उस डीएनए के ऊपर, डीएनए के अंदर एक सेगमेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा है, ओके, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्लांट की ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, जीन के ऊपर डिपेंड है। किस तरीके से डिपेंडेंट है, इस प्रोसेस के द्वारा डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम बोले कि प्लांट की हाइट ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। अगर हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो हार्मोन को बनाने वाले जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। अगर एंजाइम्स एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब जो एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है। अगर हम वो प्रोटीन सही बन रहा है तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई जीन प्रेजेंट था, उस जीन से मैसेंजर आरएनए सही बन रहा था और उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सही तरीके से बन रहा था। अगर इस एंटायर प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी, ओके, अगर हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, या फिर हम कहें कि एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, या उस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो रही, या मैसेंजर आरएनए प्रॉपरली नहीं बन रहा, या जीन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लांट की हाइट के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कंट्रोल होती है जीन्स के द्वारा। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये जो प्रोसेस है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि डीएनए है, उससे मैसेंजर आरएनए बनता है। सिंपल भाषा में हायर क्लासेस में आप थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। डीएनए है, उससे मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द हेरिडिटी टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन द 10th क्लास। इसके अंदर एक टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मेंडल से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारा यहां पर फिनिशअप होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन द केस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आने वाला हमारा जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।